खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। मुर्शिदाबाद में कथित तौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े शिक्षक की परिवार समेत हत्या के मामले में पश्चिम बंगाल पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने हत्या के मुख्य आरोपी उत्पल बेहरा की गिरफ्तारी के बाद दावा किया है कि बंधु प्रकाश पाल की हत्या राजनीतिक रंजिश में नहीं की गई थी। बंधु पाल को पेशे से राजमिस्त्री उत्पल ने मारा है क्योंकि उन्होंने लाइफ इंश्योरेंस की रसीद नहीं दी थी। मुर्शिदाबाद पुलिस के मुताबिक आरोपी उत्पल बेहरा ने बंधुपाल से दो इंश्योरेंस की पॉलिसी कराई थी और एक की रसीद उसे मिल गई थी, लेकिन दूसरी पॉलिसी की रसीद क्योंकि उसको नहीं मिली थी और इसी को लेकर दोनों के बीच में झगड़ा था। इसी के बाद 8 अक्टूबर को उत्पल ने 35 साल के बंधु प्रकाश पाल, 28 साल की उनकी गर्भवती पत्नी और ब्यूटी पाल, उनके बेटे अंगन पाल को घर में घुसकर मार दिया था। हमारे सहयोगी ऋत्विक मंडल हमसे जुड़ रहे हैं। ऋत्विक, ये जो पूरा हत्याकांड, तीन लोगों की हत्या को जो अंजाम दिया था बेहरा ने, क्या लग रहा है, क्या इसके पीछे सिर्फ ये रसीद ही एक वजह है, क्या ये अकेला इस हत्या में शामिल था या और भी लोग इसके साथ थे, क्या कहना है पुलिस का? पुलिस का तो यही कहना है और उनका कहना है कि तीन बार उन्होंने ये उत्पल बेहरा, जिनको फिलहाल उनको गिरफ्त में लिया है, उनको पूछताछ के बाद ये खुलासा कर पाया है पुलिस ने कि उन्होंने अपने खुद अकेले ये तीनों का, ये जो तीनों हत्याएं हैं उनको अंजाम दिए थे। 8 तारीख सुबह दोपहर 12 बजे वहां पर पहुंचे थे। इस रंजिश का कारण वो यही कह रहे हैं कि उन्होंने खुद ये कबूल किया है पुलिस के पूछताछ के सामने कि पिछले 2 साल पहले उन्होंने 2 पॉलिसी ली थी ये बंधु प्रकाश के साथ, जो बाकायदा सिर्फ एक शिक्षक नहीं थे, उनके साथ साथ मनी मार्केटिंग का बहुत से बिजनेस भी वो करते थे। तो उसके चलते 24,000 रुपए उनको वापस लौटाना था इस उत्पल को। हालांकि जो वो दूसरी दफे जो पॉलिसी रिन्यू उन्होंने किया था वो नहीं लौटा रहे थे, ना तो उनके रसीद दे रहे थे। बिल्कुल ऋत्विक, इसका मतलब ये तो साफ हो जाता है कि कोई राजनीतिक रंजिश नहीं थी। ये जो पूरी हत्याकांड है ये पैसे के लेन देन से जुड़ा हुआ मामला था।